लगभग पिछले एक साल से आप स्मार्टफोन्स में एआई फीचर्स के बारे में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अक्सर आप सोचते होंगे कि ये एआई होता क्या है और ये कैसे काम करता है। वेल, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देता हूँ। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि एआई होता क्या है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब भी मशीन और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कि सीरी और गूगल असिस्टेंट, ये हर किसी इंडिविजुअल की आवाज़ को समझ के उसे रिकॉग्नाइज करती हैं। इनमें शामिल होती हैं ड्राइवरलेस कार्स, स्मार्ट होम्स, वीडियो गेम्स, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास और हाल ही में लॉन्च हुई सोफिया रोबोट, जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही चलती है। और इनफैक्ट स्मार्टफोन के एआई फीचर्स भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ऑनर के एआई फीचर्स हमें बेहद ही इफेक्टिव लगे, इसलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ टॉप एआई फीचर्स ऑफ ऑनर व्यू 10। अब सबसे पहला एआई फीचर जो इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इसका फेस अनलॉक मोड। अब आप कहेंगे कि फेस अनलॉक में एआई टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई, पर कंपनी ने इसके फेस रिकॉग्निशन मोड में भी एआई फीचर डाला है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका फेस अनलॉक मोड जो है वो हर लाइटिंग सिचुएशन में आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इसके लिए आपको बार बार पावर बटन को भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ोन को लॉक किया और इसको मैं अपने फेस की तरफ टिल्ट करता हूँ और देखिए फ़ोन तुरंत से अनलॉक हो गया बिना पावर बटन दबाए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके फेस अनलॉक मोड में एक खास बात यह है कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं तो ये फ़ोन जो है अनलॉक नहीं होगा। हालांकि मेरे पास यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस भी है और वो आंखें बंद करने पे भी अनलॉक कर देता है फ़ोन को। अब अगला एआई फीचर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है इंटेलिजेंट स्क्रीन ऑन। यानी जब आप इस फ़ोन की स्क्रीन को देख रहे होंगे तो ये लॉक नहीं होगा। और इसका डेमो मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसका स्क्रीन ऑफ टाइम 15 सेकंड रखा हुआ है। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और फ़ोन को 15 सेकंड के लिए स्टैटिक रख देता हूं और स्क्रीन को नहीं देखूंगा। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन लॉक हो गया है। लेकिन यही केस अगर मैं फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हुए करूं तो 15-20 सेकंड या कि 10 मिनट भी हो जाएं, ये फ़ोन की स्क्रीन लॉक नहीं होगी। और अब अगर आप टाइम काउंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लॉक नहीं होगी 15 सेकंड के बाद भी, और मैं स्क्रीन पर लगातार देख रहा हूं। ऑलमोस्ट 10 सेकंड हो चुके होंगे और पर अभी भी स्क्रीन जो है लॉक नहीं हुई है। अब तीसरा एआई फीचर जो इस फ़ोन में दिया है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं कि पहले मैं इसके कैमरा को ओपन कर लेता हूं, मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच करता हूं और अभी फ़िलहाल जो मेरे बैकग्राउंड में है वो आपको एक्चुअल वही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी दी है उसकी हेल्प से आप अपने बैकग्राउंड को लाइव ही चेंज कर सकते हैं। एआर लेंस पे जाके आप जब एआर पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से किसी बैकग्राउंड को चूज़ करके अपने बैकग्राउंड को रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ म्यूज़िक वाले बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे और कुछ विदाउट म्यूज़िक बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। हालांकि मेरे पीछे अभी बहुत सारा सामान दिया है इसलिए एकदम फाइन कटिंग नहीं हो पा रही है इसकी, लेकिन अगर मैं एक प्लेन बैकग्राउंड पे खड़ा हो जाऊँ तो ये काफ़ी हद तक फाइन कटिंग करके एक अच्छा बैकग्राउंड सेट कर देता है। यही नहीं, कंपनी ने इसके रियर कैमरा में भी एआई टेक्नोलॉजी का बहुत खूब इस्तेमाल किया है। और इसका डेमो दिखाने के लिए मैं रियर कैमरा ओपन कर लेता हूँ, इस प्लांट को यहाँ से निकालता हूँ और इसे यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे प्लांट को मैं सामने लाया आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ आपके सामने प्लांट बना आ गया है। मैं प्लांट को हटा के कुछ और अगर इसके सामने रखूँ तो ये उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट बुक को यहाँ पे रखता हूँ और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट लिखा गया है। ऐसे ही अगर आप किसी के चेहरे को रखेंगे तो ये उसके चेहरे को रिकॉग्नाइज करके उसी हिसाब से लाइटिंग एडजस्ट करके आपको एक पिक्चर क्वालिटी देगा जो कि आपको काफ़ी हद तक नेचुरल लगेगी। अब अंत में जो मैं आपको इसका एआई फीचर दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऐसा फीचर है जो कि आपके काफ़ी काम आएगा अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं। जी हाँ, इसका नाम है ट्रांसलेटर।
और हालांकि ये आपने गूगल के एप्लीकेशन में भी देखा होगा, लेकिन इसका जो ट्रांसलेटर है ये बेहद ही इफेक्टिव है और गूगल से काफ़ी आगे निकलता है। और ये आपको मैं डेमो दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन को ओपन करके, और मैंने इस स्मार्टफोन को अनलॉक करता हूँ पहले, और मैंने इसमें एक स्क्रीनशॉट सेव कर रखा है दूसरी लैंग्वेज में। मैं इसको यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ, चाइनीज़ में मैंने यहाँ पर कुछ लिख के रखा हुआ है, और इसे मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी फ़ोटो खींचता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा गया नमस्कार क्या हाल है। जी हाँ, मैंने इसे इंग्लिश टू चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके लिखा था हाय हाउ आर यू, और इसने तुरंत से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है वो है हिंदी, और आप चाहें तो इसे दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये थे ऑनर व्यू 10 के कुछ टॉप AI फीचर्स जिनका आप डेफिनेटली लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि मार्केट में आपको कुछ और भी AI फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको किसी और फ़ोन में तो नहीं मिलने वाले। पर anyway, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई ID पर जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। Until then, this is Keshav Khera signing off.